तो शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी जियो सिनेमा के ऐप पे रिलीज हो चुकी है। और इन केस आपको नहीं पता तो बता दूं, ये एक 2011 की फ्रेंच फिल्म स्लीपलेस नाइट्स का रीमेक है। अगर फिल्म की हल्की फुल्की सिनॉप्सिस या समरी की बात करूं तो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है बेसिकली वो एक नार्कोटिक्स ऑफिसर होता है जिसको 50 करोड़ के ड्रग से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। ये बैग एक ड्रग डीलर का होता है विच इज प्लेड बाय रोनित रॉय। तो ऐसे में वो शाहिद कपूर के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और उनको वही डील ऑफर करते हैं कि अगर तुम मेरा ड्रग से भरा हुआ बैग लौटा दोगे तो फिर मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा छोड़ दूंगा। उसके बाद ये पूरी फिल्म उस एक ही रात के बारे में है कि किस तरीके से शाहिद कपूर उस ड्रग का बैग लौटाने ले जाते हैं, जो भी स्क्रीन प्ले में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और फाइनली लास्ट में क्या होता है वो सब कुछ आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो एक कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली नॉवल है क्योंकि ये सिर्फ एक रात की कहानी है और जनरली हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत बनती है बट बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनती है। तो ऐसे में जब फिल्म स्टार्ट होती है तो काफी फ्रेश नोट पे होती है। इनिशियली पहले आधे घंटे में थोड़े बहुत जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो आपको अटेंशन भी बांधे रखते हैं और ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा नॉवल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है फिल्म बहुत ज्यादा रूटीन, बहुत ज्यादा ब्लैंड होती जाती है। बेसिकली ऐसी स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि स्क्रीन पे जो है वो बहुत ज्यादा टाइट हो, कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो जो कि ऑडियंस का अटेंशन बांधे रखे। लेकिन इस फिल्म का नैरेटिव जो है वो इतना ज्यादा रूटीन ट्रैक पे चलता है कि एक टाइम बाद आपको थोड़ी बहुत बोरियत महसूस होने लगती है। प्लस इस फिल्म को जिस तरीके से प्रमोट किया गया था, लोग इस फिल्म को जॉन विक से कंपेयर कर रहे थे, लोगों को लग रहा था कि जो एक्शन का लेवल है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। तो यहां मैं आपको बता दूं इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है उसमें बिल्कुल भी एक्शन नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत एक्शन है वो सेकंड हाफ में ही है और वो उतना ही है जितना आपने ट्रेलर में देखा था। और इसमें भी मैं ये बात ऐड करना चाहूंगा कि एक्शन ऐसा कोई बहुत ज्यादा लाजवाब, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। ऐसा एक्शन आपने ऑलरेडी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, इस वजह से ये एक्शन एस्पेक्ट में भी डिलीवर नहीं कर पाती है। प्लस क्योंकि ये कहानी गुड़गांव में सेटअप की गई है तो फिल्म के शुरू होने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद कहानी एक होटल में आ जाती है। प्लस एक बार फिल्म इस होटल पे आती है तो आगे की पूरी कहानी इस होटल में ही टेक प्लेस करती है और इस वजह से भी जो एक्शन है, जो भी थोड़े बहुत छोटे बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले गए हैं, हर चीज बहुत ज्यादा रेपिटेटिव लगने लगती है। बाकी एक चीज मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि ऐसी जो फिल्में होती हैं जो बिल्कुल क्राइम थ्रिलर होती है जिसमें ड्रग लॉर्ड माफिया दिखाए जाते हैं, तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन इस फिल्म के जो विलेंस है वो लिटरली आपको एक कार्टून जैसे लगते हैं, चाहे वो रोनित रॉय का कैरेक्टर हो चाहे वो संजय कपूर का कैरेक्टर हो। रोनित रॉय ऑल्दो एक्टर बहुत अच्छे हैं लेकिन जिस तरीके से उनके कैरेक्टर लिखे गए हैं आपको लिटरली एक सेकंड के लिए भी किसी भी विलेन से डर नहीं लगेगा। दोनों के कैरेक्टर बिल्कुल भी डार्क या मेनेसिंग नहीं है, इनफैक्ट कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो विलेन है वो कॉमेडी करने लगते हैं। और ये भी मैं कहूंगा फिल्म का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, एक सेकंड के लिए भी आपको लीड कैरेक्टर्स की जान का खतरा नहीं लगता है, ऐसा लगता ही नहीं कि विलेन इतने कॉम्पिटेंट है कि वो कुछ भी कर पाए। रही बात फिल्म के सेकंड हाफ की तो मैं कहूंगा सेकंड हाफ में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही होता है, स्टोरी बिल्कुल बैक सीट ले लेती है और मैं कहूंगा कोई भी थ्रिल कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आता है और इस वजह से आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि फिल्म को अननेसेसरली बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। इस फिल्म का ट्रेलर भी जब आया था तब भी ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा वाला नॉवल एक्सपीरियंस देगी, लेकिन अब फिल्म देखने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। और ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है क्योंकि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो है अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बनाई है। लेकिन अब एक फ्रेंच फिल्म का रीमेक करना और उसमें भी इतनी बेसिक इतनी रूटीन फिल्म बनाना, ऑनेस्टली आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग। बाकी अगर एक्टिंग की बात करूँ तो शाहिद कपूर ने अपना काम अच्छे से किया है, ऑल्दो मैं कहूंगा कुछ कन्फ्रंटेशनल सीन्स में वो थोड़े बहुत ओवरबोर्ड चले जाते हैं, थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिसेंट है। बाकी जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं चाहे वो रोनित रॉय हो, राजीव खंडेलवाल हो, डायना पेंटी हो, उन सभी ने अपना काम ठीक से किया है। संजय कपूर का कैरेक्टर थोड़ा सा कार्टूनिश लगता है लेकिन मैं कहूंगा इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, विलन्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे ही इस तरीके से गए हैं कि उनसे कोई भी थ्रेट कोई भी डर नहीं महसूस होता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्लडी डैडी बहुत ही ज्यादा एवरेज फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत अच्छी है, जो स्टेक राइज करती है ये फिल्म वो काफी अच्छे करती है, लेकिन बिल्टअप करने के बाद जो फिल्म का पे ऑफ होता है वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं होता है। इनफैक्ट मैं ऑनेस्टली बोलूं तो एवरेज की जगह मैं डिसअपॉइंटिंग कहता अगर ये फिल्म एक थिएटरकल रिलीज होती, बट कंसिडरिंग कि अभी ये फिल्म जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री स्ट्रीम हो रही है तो ऐसे में आप फिल्म को एक बार देख सकते हो। एज सच कोई बहुत ज्यादा बुरी बहुत ज्यादा क्रिंज वाली फीलिंग नहीं देगी ये फिल्म, बट एट द सेम टाइम कोई बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस भी नहीं देती है। और हाँ, फाइनली मैं लास्ट में ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि ये अच्छा डिसीजन था कि इस फिल्म को ओटीटी पे रिलीज किया गया, अगर ये फिल्म बाकी थिएटर में रिलीज होती तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाती। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन बताएगा कि आपने ब्लडी डैडी देखी कि नहीं, देखी तो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि किस एस्पेक्ट में ये फिल्म और बेटर डिलीवर कर सकती थी, सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्टर रंजन को दीजिए इजाजत।